खट्टर बोले बिजली फुल, भव्य बिश्नोई ने कहा बत्ती गुल। हुड्डा जेपी पर आग बबूला हो गए कुलदीप बिश्नोई। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। सीएम और पूर्व सीएम से किया परहेज, लोगों से बोले अपना मनोहर लाल मानो। भारतीय जनता पार्टी के हिसार सीट से उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के लिए आदमपुर में रैली की गई। इस रैली में सबकी निगाहें कुलदीप बिश्नोई व उनके बेटे भव्य बिश्नोई के इंतजार में थी। कुलदीप बिश्नोई रैली में आने से पहले मनोहर लाल की अगुवाई में थे और भव्य बिश्नोई पहले ही मंच पर आकर बैठ गए। रैली में आने वाले लोगों की भीड़ बड़ी तो मनोहर लाल खट्टर भी कुलदीप बिश्नोई के साथ कार्यक्रम में पहुंच गए। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल की समाधि पर पहुंचे और शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। सियासत की वानगी देखिए, कुछ दिन पहले बिना नाम लिए जिनके लिए उनके मुख्यमंत्री काल की कहानी सुनाकर भ्रष्टाचार की तोहमतें जड़ी थी, राजनैतिक स्वार्थ ने आज उन्हीं की समाधि के सामने सिर झुकाने को मजबूर कर दिया। मंच पर पहुंचे तो कुलदीप बिश्नोई व उनके पुत्र भव्य बिश्नोई के भाषण पर सारे भाजपाई तालियां बजा रहे थे, परंतु ये दोनों पिता पुत्र अपने गढ़ को बचाए रखने की जद्दोजहद में दिखाई दिए। एक ओर मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए घर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा किया और इससे भी आगे बढ़ते हुए पूर्व सीएम खट्टर ने यहां तक कह दिया कि लोगों को इतनी ज़्यादा बिजली दे दी है कि वही लोग कहने लगे हैं बस करो, ज़्यादा बिजली ना दो, इससे ज़्यादा बिल आएगा। और फिर एक और ऐसा कटाक्ष किया, उन्होंने लोगों से यह भी कह डाला कि जिन लोगों को पहले बिल भरने की आदत नहीं थी वो कहने लगे कि बिजली ज्यादा ना दो। गांव में तो बिजली नहीं होती थी, हमारे बिजली मंत्री अभी 4.5 साल से बिजली मंत्री हैं, हमने इसके आने से पहले एक योजना शुरू की थी मेरा गांव जगमा गांव, उससे पहले सिर्फ 500 गांव के अंदर और बिजली आती थी 24 घंटे, 500 गांव में तो थी, लेकिन आज वही 5,806 गांव में 6,500 में से 5,806 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। आप तो बहुत गांव के लोग कहते हैं थोड़ा सा कम भेजा करो, क्यों, थोड़ा बिल ज्यादा आता है। अब बिल लेने की आदत तो थी नहीं, अब 500 आवे तो भी ज्यादा लगता है, 300 आवे तो भी ज्यादा लगता है। भाई थोड़ा सुख चाहिए, इसलिए हमारी बहन बेटियां हमारे बच्चे स्कूल के वो स्कूल जाते हैं तो बिजली के साथ अपना लैपटॉप भी चलाते हैं, अपना आईपैड भी चलाते हैं, अपने मोबाइल को भी चार्ज करना होता है, कहीं टीवी भी देखना होता है। आज हमारी बहनों को बधानी रखने की वो बिजली पर चलती है, गंडासा जो चारा काटते हैं वो बिजली पर चलता है, तो घर की आवश्यकता होती है बिजली। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी को कि उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। और मैं एक बात कहूंगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे 4 जून तक तो, लेकिन उसके बाद भी क्या, बिजली मंत्री को और ही बढ़ेगा। मनोहर लाल का बिजली पर यह गुणगान तो हो गया, परंतु भव्य बिश्नोई ने विधायक होने के नाते अपने हलके की ऐसी पैरवी की कि मनोहर लाल खट्टर के दावे हवा में उड़ गए। दरअसल भव्य बिश्नोई ने आदमपुर हलके की ढाणियों में बिजली ना होने की समस्या पर जोर देते हुए ऊर्जा मंत्री व लोकसभा उम्मीदवार रणजीत चौटाला से मुखातिब होते हुए जोर देकर कहा कि उनके एक हलके की ढाणियों में लोगों के पास बिजली नहीं है, ढाणियों में लोग पूरी तरह से बिजली से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि ढाणियों में बिजली पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है और वे उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके हलके की ढाणियों में बिजली प्रदान की जाए। माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, लेकिन साथियों मैं जानता हूं
कि अभी भी बहुत सारे विकास कार्य अधूरे हैं, रोजगार से संबंधित, नई बिजली कनेक्शन से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सांसद बन रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सांसद बनने के बाद आपकी कलम से सबसे पहला काम हमारे आदमपुर की ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन के लिए ग्रांट जारी करने का काम करेंगे। हमारे लोगों की बहुत ही लंबे पर जायज मांग है, मैं आपसे और कोई मांग नहीं करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आज इस मंच के माध्यम से मेरे लोगों को आश्वासित करें कि सबसे पहला काम आप ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन का करें। सम्मानित आदमपुर वासियों, आपका चौधरी भजनलाल परिवार का पीढ़ियों का 56 सालों का बहुत ही गहरा अटूट और मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। हर मोड़ हर समय पर चौधरी भजनलाल परिवार ने आपकी सेवा की है और आपके सुख दुख में शामिल रहे और आपने भी मुश्किल से मुश्किल भरी में हमारा साथ दिया, अपने आशीर्वाद का हाथ हम पर बनाए रखा। तो आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी इस अटूट प्रेम को, इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को कायम रखें। दूसरे मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का जीत का पहला श्रेय तो नरेंद्र मोदी को दे दिया, परंतु कटाक्ष की मुद्रा में दूसरा श्रेय राहुल गांधी को देते हुए मुस्कुराकर कहा कि जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी है, भाजपा जीत हासिल करती रहेगी। अपने भाषण में मनोहर लाल ने देश भर में 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का दावा करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने 1970 साल का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी के लिए कहा कि तभी से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज भी जो नया घोषणा पत्र है उसमें गरीबी हटाए जाने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। इस गरीबी के इस बात को लेकर के कितना राग रापते हैं, ठीक है, कभी कभी उनको लाभ भी मिलता है। सन 1970 में राहुल गांधी की अपनी दादी इंदिरा गांधी 1970 के अंदर गरीबी हटाओ इस नारे के ऊपर राज बनाया था। हमने आज भी हमको याद, हम छोटे छोटे होते थे उस समय भी गरीबी हटाओ का नारा था, आज भी कहते हैं गरीबी हटाओ। तो भाई 54 साल हो गए, इस 54 साल में भी 10 साल से हम हैं। मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ हमने 10 साल में क्या किया, लेकिन उससे पहले कम से कम 30 साल उस 54 साल में वो भी राज में थे। उस 30 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई और उसमें गरीबी की दर बढ़ी है। मोदी जी के 10 साल का आंकड़ा है, आज नीति आयोग ने एक जारी आंकड़े के हिसाब से कहा है कि भारत वर्ष का 20 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल से ऊपर आ गए हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए 20 करोड़। अब बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो उन्होंने भाजपा का गुणगान करते हुए हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर आग बबूला होते हुए हुड्डा को भू माफिया तक कह डाला और जयप्रकाश की जीत पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता, आप उनके 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, जिसको भू माफियों का सरगर्मा कहा जाता था, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूँ, इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो। हर चीज में भेदभाव का, या किसानों के पानी की बात थी या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया, उसको भी कोई वोट दे देगा। और जेपी उसका खास आदमी साथियों, हर चीजें बुला दो, हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है, इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हलके का और देश का कितना विकास हो रहा। मैं आपको मन से कहता हूँ, इतनी बार भव्य इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हलके के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके एक मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो आदमपुर हलके की थी। साथियों धान उतारने का टाइम आया। खैर, भाजपा की इस रैली में मंच पर फतेहाबाद से विधायक दूड़ाराम भी
कुलदीप बिश्नोई व भव्य बिश्नोई से दूर ही दिखाई दिए, ना नजरें मिली ना मुलाकात हुई। मंच पर भाजपा के नेता एकजुटता दिखा रहे थे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया और राय को साझा जरूर करें। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। शुक्रिया।